जी चोण है ये कोई सरकार नहीं बदलनी, ना सेंटर सरकार बदलनी है। जो किसी कांग्रेस को पा दोगे ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं बनता, जो बीजेपी को पा दोगे उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जे आम आदमी पार्टी को पाओगे वो फर्क यह पेगा। इतिहास के नाम लिखा जाऊ कि विधानसभा 92 सी, राज्यसभा 10 ने, दिल्ली की विधानसभा 63 ने, लोक सभा जिहड़ा हिस्सा पाया फिर जलंधर वाले ने पाया, ये इतिहास लिखा जाऊगा। वीरो जी चोण है ये कोई सरकार नहीं बदलनी, ना सेंटर सरकार बदलनी है। जो किसी कांग्रेस को पा दोगे ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं बनता, जो बीजेपी को पा दोगे उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जे आम आदमी पार्टी को पाओगे वो फर्क यह पेगा। इतिहास के नाम लिखा जाऊ कि विधानसभा 92 सी, राज्यसभा 10 ने, दिल्ली की विधानसभा 63 ने, लोक सभा जिहड़ा हिस्सा पाया फिर जलंधर वाले ने पाया, ये इतिहास लिखा जाऊगा। 2019 दे विच मैं संगरूर तो चुन के गया, लोगों के मसले उठाए 8 साल मैं 14 तो लैके 22 तक, तुसी देखी होनी वीडियो सारे, मैं लोगों वास्ते बोलता रहा, जिन्हें पैसे मिलते सी उदू वध लैके हल्के च वंडदा रहा, तो हिसाब भी पैसे पैसा दिंदा रहा। उस तो बाद तुसी मेरी जिम्मेवारी, अरविंद केजरीवाल जी ने मेरी जिम्मेवारी वड्डी करती, मुख्यमंत्री तौर पर मेरे ते विश्वास किया तो सीट खाली होगी, कोई तो चोण होगी, पर लोकसभा जो सीट अजे खाली है। एक गल मैं तुम दस दिना जलंधर वालियो, एक बारी झाड़ू वाला बटन दब दौ MP जलंधर तो आम आदमी पार्टी का बना दो, किमें बोलना, मोदी होर तो किमें हिसाब लेना, किमें पैसे लियाने ने, ते किमें पैसे वंडने ने, सारे पासवर्ड रिंकू नूं मैं आप ही दस दूंगा, ये मेरे कोले ने, इहदी फिक्र ना करो तुसी, इहदी फिक्र ना करो तुसी, क्योंकि MP जिहड़ा हुंदा वह सारे हल्के नूं रीप्रजेंट करता है, 9 हल्कियां नूं, 9 MLA दे बराबर हुंदा वह। सो वीरो कट्ठे होके इस बार आपां दुआबे तो इतिहास लिखिए, यह धरती पीर फकीर की धरती है, यह धरती महापुरशा की धरती है, इतने NRI सब तो इतों गए हुए हैं, बाहरले मुल्क दोस्त मित्र उन्होंने पूछ लियो कि उन्होंने सिस्टम किमें काम करता है, अपना सिस्टम किमें। हुण NRI का विश्वास एक साल दे विच पंजाब सरकार च बनया, हुण कहिंदे ने जी साथों हस्पताल बनवा लो, जमीन दें, जमीन स्कूल खोल दो, स्टेडियम बना दो, विश्वास बनाया है एक साल च। कहते पहला भी सा दिल तो करता सी, यकीन नहीं सी अं खा जाएंगे, और बिल्कुल सही भी सी। हुण भ्रिष्टाचारियों फड़ फड़ के अंदर कर रहे हैं, लोगों के पैसे का हिसाब चीमा साहब बैठे खजाना मंत्री है, साड़ी मीटिंग होंगी है हर रोज, पैसे का हिसाब रखते हैं, जिमें अपने घरें मावं अपनी गुत्त नाल संदूक की चाबी बन के नहीं रखदियां सी, भी सारे हिसाब किताब घर का कबीलदारी का मेरे कोल है, असीं चाबी रखते हैं, किसी नूं किसी भ्रिष्टाचारी नूं जां किसी लुटेरे नूं चाबी नहीं असीं लैण देणी हुण खजाने की, और खजाने नूं भर रहे हैं, खजाने नूं भर रहे हैं, ते लोकां नूं सहूलतां दे रहे हैं। बिजली 1 जुलाई तो फ्री है, 83% घरों में बिजली के बिल 0 आए ने, झोने वेले पिछली बार भी ते ऐतकी बार भी लोगों मोटर बंद करके झोना लाना पाया, पिछली बार भी ऐतकी भी खुली बिजली खेतों इंडस्ट्री को कदे नहीं कहा कि तुसी 2 दिन कट लाओ, 3 दिन कट लाओ, हफ्ते साढ़े को बिजली नहीं। विरोध जे नीयत साफ हो सब कुछ होंदा है, जे नीयत साफ हो ते बिजली बोर्ड का एक पैसा भी नहीं देना, 20,200 करोड़ रुपया सबसिडी का असी देता उन्होंने पिछले साल का, जे लानेदार वधिया होवे घर चल जाता वधिया,
ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਪੜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਤੀ, ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਸੂਬਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਪਦੇ ਗੁਰਗੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਲੁੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਨੂੰ। ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, 48 ਬ੍ਰਾਂਟ ਆਏ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਪਵੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 55 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, 55 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਊਂ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਹੱਦ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੈ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਭਾਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਮੀ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, 2015 'ਚ ਵੀ ਜੀਰੋ, 2020 'ਚ ਵੀ ਜੀਰੋ, ਤਾਂ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ 28,042 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਸਰਕਾਰੀ 34 ਖੱਡਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ, ਟਰਾਲੀ ਲਿਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਰ ਲਿਆਓ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਦਘਾਟਨ, 17-50 ਏਕੜ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾ ਮੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰੀ ਨੇ। ਆਹੀ ਦਿੱਕਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਓ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ,
इन्हें तो कोई उम्मीद ना रखियो। ये 15-15 लाख के जुमले सुनाउंदे आ, ऐतकी आपां ने रिकॉर्ड बनाउणा है। वह मैनू कल करनाटका सी, मैं पत्रकार कहिंदे कितनी सीटें आएंगी, मैं कहा भी बहुत आउणगीआं, जिहड़े हिसाब दे लोग आ रहे ने ये कुछ करनगे, मैनू पंजाब वाला माहौल लगी जांदा है। कहिंदे फिर भी कितनी सीटें आएंगी, आप सर्वे में तो आए नहीं रहे। मैंने कहा की कहा? कहिंदे आप टीवी के सर्वे में नहीं आ रहे। मैं कहा आम आदमी पार्टी है सर्वे च नहीं आउंदी, सीधा सरकार च ही आउंदी है। पहला किसी ने दस्या सी 92 आउणगीआं, पता ही लग्गा किसी नूं, लोगों ने आई चकता काम, किसी नूं नहीं दस्या लोगों ने। बड़े बड़े सर्वे फेल, दिल्ली च पता सी किसी नूं कि पहला 67 आउणगीआं फिर 63 आउणगीआं, आई चकता काम। सो वीरो आम आदमी पार्टी का यही फायदा है, कोई पता नहीं किहड़े घर चों किन्नियां वोटां निकलण, झंडा कई बार दूजियां दा हुंदा है, डंडा अपने आलां दा हुंदा बस। सो इस करके आ जिहड़ी चोण है इहदे नाल आपां नूं शक्ति बहुत मिलेगी। इहदे नाल सब तो पहला तां उह विरोधियां दे मूँह बंद होणगे, जिहड़े कोई नुक्सी कढ़ी जांदे रहिंदे आ, उहनां नूं पता लग जूगा कि आम आदमी पार्टी लोगों द्वारा प्रमाणित है, तो लोग उसके कामों को पसंद कर रहे हैं। असी दुगने तिगने हौसले ना काम करांगे, जलंधर तो जे ऑक्सीजन का सिलेंडर सानू मिल जाए लोग सभा का। सो वीरो मेहनत वालों असी कोई कमी नहीं छड़दे, मेहनत वालों असी कोई कमी नहीं छड़नी। असी आम आम लोगों चो आए हुए हैं, वलंटियर बन के काम करने वाले हाँ, ये जड़े ने लोगों के ने, लोग जो मर्जी कुर्सी पर बिठा लेन, जो जो मर्जी ठा लेन। सो इस करके सारे वलंटियरों को मेरी बेनती है, कोई शिकवे भी रहे होंगे हो जाते हैं परिवार च, एक बारी वो शिकवे छड़ो। आप एक बारी 13 मई नू एक बड़ा झंडा आम आदमी पार्टी का दुआबे च लहराइए MP वाला, उस तो बाद साढ़े ते छड़ दिओ। जलंधर दी जिन्नी समस्यावां ने मेरी उंगलों ते गिणियां पईआं ने, जलंधर दे विच कूड़े दे ढेर लगन लग गए जी कई जगह ते, जिवें मॉडल टाउन दा जिहड़ा शमशान घाट है उत्थे कूड़े दा ढेर है, जमशेद ढेर है, MCD दे विच आ गए केजरीवाल साहब दिल्ली, हजे महीना नहीं होया मेयर बणिआ नूं, जिहड़े कूड़े दे पहाड़ वड्डे वड्डे जिहड़े उरले पासे इक अपने पंजाब वाले पासे भी है, उहदे नाल भी मत्था ला लिया। 6 महीनों बाद दिल्ली च कोई कूड़े का पहाड़ नहीं रहूगा, एडे पहाड़ सिट ले थोड़े ढेर की चीज ने जलंधर आयो। जलंधर नूं चमका देंगे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री मिलना आए सी, इंडस्ट्री वाले मिलना आए सी, उन्होंने सारिया मंगा पूरिया करांगे। आदमपुर वाला हवाई अड्डा जून जुलाई चल पूगा जी, हलवारे वाला हवाई अड्डा जुलाई चल पूगा जी, जिहड़ी आदमपुर नूं सड़क जाती है नैशनल हाईवे अथॉरिटी छो असी आप ही बना लें, तुम सानू कि परमिशन दो, जी इतों आदमपुर सड़क जाती है वह बनूगी जी। मेरे को ए पाइं ने ए भी की कि इलाके की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जाता जाता देखता रहना, मैं लोगों को मिलता रहना भी की दिक्कत है। मंडिया चो लिफ्टिंग हो रही है, पहली बार किसानों मुआवजा, खेतों फसल पई है पैसे खाते च आ गए, पहली बार होया। नहीं तो सुखबीर होर ने जोड़े 42-42 रुपये के चैक भी देंदे होंगे सी, वो इन्ने चरवा देंदे सी, लोग भी भुल जाते सी कि फसल है भाई। सो इस करके उन्हां तो बचो, वो तो रोज़ कुछ ना कुछ कही जाते होंगे ने, चलो सुखबीर बादल चल छो, चलो बेचारा जिनी कहेगी उन्ना को बोली जाता रहा। पर मैं तो यही डर है भी कितने रोड़े रूड़े ना मारन लग जाए किसी के, होर तो चलो चुत फिर फिर रहन दो, भगत है बेचारा तुरै फिर कोई नहीं, जिनी क हैगी रब ने दिती उन्नी क बरती जाता अकल। कुछ नहीं पता, असी दफ्तर का टाइम बदलिया है ना, कहना लो यदा मतलब फिर साड़िया बीबिया हूँ 2:30 बजे उठना पै करू। वो मैं क्या पहाड़ा च पढ़ के आए हैं, 2:30 नहीं होंगे 2:30 होंगे, वह पता ही नहीं उन्होंने 2:30 होंगे ने 2:30 होंगे ने, उस जो उन्होंने आप तो 12 बजे उठता है, उन्होंने की पता भी 7:30 बजे भी दफ्तर लग सकते हैं। सुखबीर बादल 12:30 उठता है जी, उठ के नहाँ तो जो करे 2 बजे जो पंजाब सौंदा है उदो उठते हैं, जो पंजाब उठता उदो सौंदे ने, उन्होंने तो की उम्मीद करांगे आप। सो इधर उधर कोई वोट ना खराब करो,
एक बार अज अरविंद केजरीवाल जी स्पैशली मैनू कहिंदे वी जलंधर जाना है और जलंधर दे विच रैली करनी है, काफ़ी देर हो गई कोई सरकार बनने तो बाद इस इलाके च आए नहीं, तो मैं कहा जी आओ लोग तो तुहाडी उड़ीक करदे ने अखां बिछा के, दो नारे लावांगे दोने हाथ उपर चक्के इत्थे अपना कांग्रेस वाले तो बीजेपी वाले भी आए होणगे आउंदे ने ओह क्योंकि उन्होंने अपने हाकां नूं दसना हुंदा ना भी किन्ना कट सी, फिर वह पुछणगे किन्ना कट सी, कट तां बहुत सी तू छड्ड, वह पुछणगे नारे किन्ने कि जोर दी लग रहे सी, बस उन्होंने इन्नी जोर दी नारे ला दो कि उन्होंने ये कहना पवे जी मैं साथों क्यों पुछते थोड़े घरें भी तो सुनते हो सारे जलंधर तो सुने ने, फिर शीशे हिला दो उन्होंने घर जिहड़ियां ताकियां ने दोने हाथ उपर चक के इनकलाब, थोड़ा जिहा होर कर दो शाहकोट तक भी पहुंचे गल इनकलाब।